निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो के जमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर विश्व हिंदी दिवस। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, और आज है विश्व हिंदी दिवस। तो सबसे पहले विश्व में निवास करने वाले सभी हिंदी भाषियों को आज के इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बात जब अपनी भाषा की होती है, अपनी बोली की होती है, तो हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हिंदी हर भारतीय की पहचान है। बात जब हिंदी की हो तो आँख खुलने के साथ ही हिंदी से हमारा जो लगाव, जो जुड़ाव होता है ना, वो शायद किसी और भाषा से नहीं होता। और ना सिर्फ हमारा, हमारी हिंदी से, बल्कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी बोली, किसी भी भाषा, किसी भी देश का हो, उसका लगाव ठीक ऐसे ही अपनी भाषा के साथ होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमिता दुबे मैम। आप प्रधान संपादक हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में, साथ ही साथ आप एक जानी मानी साहित्यकार भी हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस चैनल के माध्यम से, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से आपने मुझे जोड़ा और आज विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने का एक अवसर दिया आपने। मैम, आज ना सिर्फ हमारा स्टूडियो बल्कि हमारा पूरा रेडियो स्टेशन, आप आए हैं, हिंदी में आप लिखती हैं, और जब बात विश्व हिंदी दिवस की हो तो आप हमारे बीच में हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैम, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम किसी भी दिवस विशेष की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये होती है उसके इतिहास की, कि कब से हमने इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया, कब से हमें इसका महत्व लगा और हमें अब इस विशेष दिवस को या इस दिन विशेष को ज़रूर से ज़रूर मनाना चाहिए, उसको एक उत्सव के रूप में देखना चाहिए। तो यही मेरा सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस का इतिहास क्या है। मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारी माँ है। जैसे हम माँ को रोज याद करते हैं, माँ अगर सौभाग्य से हमारे पास है तो हम चाहते हैं कि सुबह हो तो हमारी माँ हमें अपने अंक मिले और एक स्पर्श मिले माँ का, वो चाहे चुंबन के रूप में हो, चाहे आशीर्वाद के रूप में हो। जब हम छोटे होते हैं तो हम माँ से लिपटते हैं और सोचते हैं कि वो हमें प्यार करे, और जब हम थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो एक थोड़ी सी दूरी आती है और हम सोचते हैं कि माँ हमें आशीर्वाद दे। यही स्थिति हिंदी के साथ है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब हम शिशु रूप में होते हैं, तो लोरियाँ हमारी हिंदी की पहचान होती हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो वही आशीर्वाद, सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, ये जब माँ कहती है तो ये हमारी मूल हिंदी भाषा ही होती है। केवल हिंदी की बात नहीं, हम जब स्वतंत्रता हमने प्राप्त की, हम अमृत महोत्सव भी मनाया, इतने भव्य रूप में मनाया, तो 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी दिवस के रूप में उसको अपने जीवन का एक अंग बनाया, 14 सितंबर 1949 से, क्योंकि तब हमने भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को अंगीकार किया राजभाषा के रूप में। और विश्व स्तर पर जब हम दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की जब बात उठी तो उस पर जो मुख्य रूप से आधार मिला, उस दिवस को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये विश्व एक ही दिन हमारे लिए हिंदी के लिए नहीं है, हमारा तो नैतिक दायित्व भी है और हमारी हार्दिक इच्छा भी है कि हर दिन हिंदी को समर्पित हो। बात अगर हम हिंदी की करें तो हिंदी देश में तो पूरा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, सभी जगह हिंदी ही हिंदी है, क्योंकि हम कुछ भी
भाषी भाषी हो सकते हैं, भाषा भाषी हो सकते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी, लेकिन जब हम आपस में बात करेंगे तो हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। लेकिन जब एक तेलुगु भाषी और तमिल भाषी से बात करना चाहेगा तो एक को तेलुगु नहीं आती, एक को तमिल नहीं आती, एक को गुजराती नहीं आती, एक को बांग्ला नहीं आती, तो उनके लिए एक संपर्क की भाषा होनी चाहिए। तो जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में संपर्क की भाषा अगर कोई हो सकती है, जोड़ने की भाषा कोई हो सकती है, तो वो हिंदी ही है। तो इसलिए हिंदी हमारी केवल मातृभाषा हो सकता है। कुछ लोग कहें कि हमारी मातृभाषा तो गुजराती है, हमारी मातृभाषा तो पंजाबी है, हमारी मातृभाषा तो कुछ और है, लेकिन अगर हम आपस में एक दूसरे से जोड़ने की बात करते हैं, और भारत तो बहुत बहुभाषा भाषी क्षेत्रों का देश है, बहु संस्कृतियाँ यहाँ विद्यमान है, लेकिन सब में जो अगर मुख्य धारा है, जो भारतीयता है, उसको जोड़ने का काम हिंदी ही करती है। हिंदी करती है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हिंदी का इतिहास, हमारे विश्व हिंदी दिवस का इतिहास आपने बताया। मैम, एक और जैसे सवाल की अगर मैं बात करूं, या सवाल ना, अगर एक व्यवहारिक तरीके से मैं आपसे पूछूं कि जैसे परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारी जो है विचारधारा बदल रही है, हम पाश्चात्य चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जो है खिंचाव महसूस अब करने लगे हैं, ठीक वैसा ही जो है आज हमारी हिंदी भाषी व्यक्तियों के साथ भी हो रहा है। हम अगर पहले के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज का समाज और पहले जिस तरीके से हिंदी को स्वीकृत किया गया था, जिस तरीके से हिंदी भाषी व्यक्ति बहुत ही सहजता के साथ हिंदी में बात करता था, वो जो बदलाव मैम अब आ गया है इनके बीच में, जो सामंजस्य बैठाने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें मैम। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रश्न को रखा, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और ये आपका प्रश्न नहीं है, मुझे लगता है ये हम सभी का एक ऐसा प्रश्न है जहाँ आकर हमें सोचना होगा। जब हम बात करते हैं कि ज्ञान की भाषा क्या है, तो हम अगर अपने ज्ञान की बात करें, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो विश्व में अपने ज्ञान का परचम रहनाने वाली संस्कृति भारतीय संस्कृति ही है। बिल्कुल। चाहे वो हम अंतरिक्ष की बात करें, चाहे हम विज्ञान की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे संस्कार की बात करें, लेकिन एक लंबे समय तक ये धारणा बना दी गई कि हमारी हिंदी भाषा में विज्ञान की बात नहीं की जा सकती, हमारी हिंदी भाषा में हम अंतरिक्ष की बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा का आधार लिया हो, लेकिन हमें अपनी अस्मिता, अपनी इच्छा और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी भाषा के प्रति समर्पित होने का भाव अगर हमारे मन में है, तो हमारी हिंदी कभी भी पीछे हट नहीं सकती। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए हमने आप ये डॉक्टर्स के बीच आप काम करते हो, चिकित्सकों के बीच काम करते हो, तो अगर कोई चिकित्सक है, उसने अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में की या किसी और भाषा में की, किसी विदेशी भाषा में की, लेकिन वो काम तो भारत में करेगा ना, तो उसको अपने जो उसके जिसको कहना चाहिए ऑब्जेक्ट हैं, जो उसके जिसके बीच उसको काम करना है, जिनके साथ उनको अपने संबंध स्थापित करने हैं, तो वो तो उनसे अगर वो अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, तो वो ना वो उनकी समस्या को समझ सकेगा, ना उसके इलाज को वो बता पाएगा। बिल्कुल। इसी तरह इंजीनियर है, इसे लोग कहते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हमें मोटे मोटे अंग्रेजी के ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक होगा, लेकिन जब इंजीनियर काम तो वो तो कुदाल लेके जुटेगा नहीं। बिल्कुल। उसको काम तो ठेकेदारों के साथ करना होगा, मजदूरों के साथ करना होगा, तो अगर वो अपनी अंग्रेजी झाड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमारा परिवेश ज्ञान के लिए किसी भी भाषा का कोई विरोध कभी भी हिंदी ने किया ही नहीं है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी व्याकरण के अनुसार ग्रहण कर लिया,
और यही एक कारण है कि हिंदी अब विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता को प्राप्त कर रही है। और जहाँ जहाँ भारतीय हैं, वो चाहे किसी रूप में हों, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे वो अध्ययन कर रहे हों, चाहे अध्यापन कर रहे हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, कुछ भी हों, जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ वहाँ हिंदी है। इसलिए हिंदी की वैश्विक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। सुदृढ़ और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर अपना उद्बोधन हिंदी में देते हैं तो वहाँ पर हिंदी का महत्व और हिंदी की गरिमा समझ में आती है। अगर आज हम याद करें तो हम पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था और वो उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, और उनको ये सम्मान के रूप में उनको वहाँ भेजा गया था सरकार की ओर से। तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनका निर्वाह करने के लिए कभी भी कोई पीछे नहीं हटता। बिल्कुल। और जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए फिल्मों ने भी बहुत योगदान दिया। फिल्मी गाने जो मुंबई का जो बॉलीवुड है उसके जो गाने हैं उन्होंने भी हिंदी की जो मिठास है उसको बहुत दूर दूर तक ले जाए। बहुत सारे ऐसे विदेशी हम लोगों को मिल जाते हैं जो हमारे उन्हीं हिंदी गानों के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। उत्सुक होते हैं और एक तरीके से हम कहें कि भारतीय सिनेमा ने एक तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया हिंदी के साथ। बिल्कुल। और विश्व स्तर पर भी हिंदी को ले जाने के में भारतीय सिनेमा का बहुत महत्व। अगर आज हम स्विट्जरलैंड में जाके देखें तो आज भी वहां पे टिटलिस माउंटेन के ऊपर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक प्रॉपर पोस्टर बना हुआ है। और वहां पे भाई भारतीय बेशक जाते हैं लेकिन वो रहने वाले तो वहां के जो लोकल लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो वहां पर जाके बड़े गर्व के साथ तस्वीर अपनी खिंचवाते हैं। जैसे राज कपूर ने एक वो मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना? जी। तो वो गाना तो हिंदी में है ना। बिल्कुल। वो जूता भले ही जापानी जूते की बात कर रहे हैं लेकिन दिल तो उनका हिंदुस्तानी है। तो जहाँ जहाँ भारतीय हैं उनका दिल जो है वो हिंदुस्तानी है और वहाँ हिंदी में ही हम सपने तो हिंदी में देखते हैं ना। बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही मैम कि हम रहें चाहे जहां भी, देखें चाहे जहां भी, समझें सोचें बोली भाषा हमारी जो भी हम एक विकल्प के रूप में चुने जिससे हम बात करें लेकिन सपने हमारे हिंदी होते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही मैम। इसी श्रृंखला से एक और बात शुरू करूंगी इसी बात से। अब अगर हम जैसे परिवर्तन की मैं बात अभी कर रही थी तो शिक्षा भी बहुत बदल गई है। हाँ। और ना सिर्फ शिक्षा बल्कि बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी बदल गए। हाँ, बिल्कुल बदल गए। उनकी भी मानसिकता बदल गई है। बेशक हम हिंदी भाषी हैं लेकिन बात जब शिक्षा की आती है तो सबका जो है रुझान अन्य भाषाओं के प्रति ज्यादा होता है। तो ऐसे में हम कैसे लोगों को हिंदी के लिए जागरूक कर सकते हैं? देखिए ये बहुत सारा काम तो हमारी सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल। नई शिक्षा नीति में जब प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा में होगी तो निश्चित रूप से बच्चे से कहेंगे कि तुम सेब नहीं एप्पल खाओ, चम्मच नहीं स्पून उठाओ, तो हम कैसे से ये आशा करेंगे कि वो बड़ी कक्षाओं में जाके हिंदी के प्रति समर्पित होगा। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें CBSE और ICSE बोर्ड्स में जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, उसमें इंटरमीडिएट में हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में है और ज़्यादातर बच्चे वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी को छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखकर जो हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति का जो एजेंडा आया है जो अब 2020 में शुरू हुई थी लेकिन अब पूरा पूर्ण रूप से सामने आ रही है, अस्तित्व में आ गई, कोर्सेज बन गए, कॉलेजेस में उसकी पढ़ाई उसी हिसाब से शुरू हो गई है। मुझे याद है कि मैं मेरे बचपन की बात मैं आपसे करूं, उस समय भी था कि क्लास 6 से
इंग्लिश पढ़ाए जाने की एक सरकार के निर्देश थे, यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के, और यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के, तब तो यही एक बोर्ड मुख्यतः होता था जी। और तो हमको जो ABCD थी वो हमने शायद शुरू के कक्षाओं में भी जैसे हिंदी के अक्षर सीखे वैसे ही शब्द ज्ञान अंग्रेजी का भी हुआ। लेकिन कक्षा 6 में जब वो सरकार का नियम बना तो कक्षा 6 में फिर से ABCD सिखाई गई, और जो कोर्सेज थे उसके साथ साथ में हम लोगों को रेडियंट रीडर, न्यू रेडियंट रीडर करके किताब चलती थी, वो तो हम पढ़ते थे, जिसमें हम मिल्टन को पढ़ते थे, जिसमें हम शेक्सपियर को पढ़ते थे जी, जी। लेकिन उसके साथ साथ हम उन बच्चों के लिए भी पढ़ते थे जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम, उस समय माध्यम भी अंग्रेजी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि हमें किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, हमें ज्ञान किसी भी भाषा में प्राप्त करना चाहिए, और हमें जितना हम ज्ञानवान होंगे उतना ही हम अपनी भाषा को समृद्ध करेंगे। जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम अपनी भाषा को और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल। कैसे? जैसे हम विज्ञान के शब्दों को, अब जैसे मान लो हम बायोलॉजी की बात करें, तो अगर हम फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं तो शायद उतनी सहजता से बात समझ में नहीं आती। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी हम कर लेते हैं और हम उसको पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कह के और अपनी भाषा में उसको उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो सहजता है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये सहजता किसने दिया? हमें हिंदी भाषा ने दी। बिल्कुल। जैसे हमने कंप्यूटर को स्वीकार कर लिया, जैसे हमने FM को स्वीकार कर लिया, जैसे हमने बहुत सारे शब्दों को उसमें अपने व्यवहार के अनुसार, उपयोग के अनुसार उनको स्वीकार कर लिया, अब हम टेबल और स्टेशन और इन सब की कोई कुतर्की से अगर हिंदी खोजने लगेंगे तो शायद हिंदी का नुकसान होगा। बिल्कुल। जैसे हम क्रिकेट को जोड़ सकते हैं, हम टीवी को जोड़ सकते हैं, हम और भी तमाम ऐसे खेल हैं जिनको हम, बैडमिंटन हुआ जैसे, टेबल टेनिस हुआ, तो ये इन शब्दों को अंग्रेजी के हम बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैम हिंदी का जो है ये पहचान भी है कि वो खुले हाथों से सबको स्वीकारती है। असल में हिंदी जो है ना वो बहता हुआ नीर है नदी की तरह, कल 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 जैसे नदी की आवाज होती है ना, वैसे ही हिंदी भाषा की। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसकी हिंदी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। और हर शब्द का अपना अर्थ होता है और हर भाव का अपना एक शब्द है, तो इसलिए इसकी जो स्वीकारता है वो भी बहुत अधिक है और इसकी सहजता भी बहुत अधिक है। और जो इसकी लिपि है वो बहुत वैज्ञानिक लिपि है, जिसका व्याकरण एक छोटे से पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात आपने कही मैम। और जब बात हिंदी भाषा की करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हम कहते हैं नदियों को हम बांध नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करते हैं झेलम की तो कुछ इधर बहती है कुछ उधर बहती है, लेकिन वो एक बराबर बहती रहती है। जितना जल जो है उस नदी में हमारे भारत में है, ठीक उतना ही हमारे पड़ोसी देश में। तो भाषा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया कि जल की तरह है और उसकी ना गहराई नापी जा सकती है और ना उसको हम श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सिकोड़ सकते हैं। वो तो विस्तृत स्वरूप में है और जहां जहां जाती वहां वहां खुशबू बिखेरती है। मैम एक सवाल आपसे, आपके लिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपकी शिक्षा पे बात हो रही थी और आप विज्ञान की छात्रा रही जी, तो हिंदी साहित्य से कैसे आपका जुड़ाव हुआ और हिंदी भाषा में इतनी सारी किताबें, मतलब थोड़ा सा आपके इस पे बात करते हैं। मेरा जो झुकाव था वो बहुत प्रारंभ से ही था और मेरी एक आदत थी, मेरी पिता ने मुझे, श्री कृष्ण कुमार अनिल जी मेरे पिता, उन्होंने ये मेरी आदत डाली थी कि कोई भी अच्छी बात अगर सीखो तो उसको अपनी डायरी में नोट करो। तो मेरे पास एक अपनी कोटेशंस की डायरी थी जिसमें कुछ अंग्रेजी के कोटेशंस भी थे, कुछ अन्य भाषाओं के भी थे जिसका हिंदी में अनुवाद था। जैसे स्वामी विवेकानंद मेरे की जीवनी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अब हम बात कर रहे थे हिंदी की, तो स्वामी विवेकानंद ने भी विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति को एक पहचान दिलवाई थी और अभी हम उनका जन्मदिवस भी मनाएंगे। तो
उन सब को करते हुए एक मेरे पास बहुत सुंदर कोटेशंस की डायरी या सूक्तियों की एक डायरी हुई, उसको दोहराते दोहराते, और जब हम लोगों का बचपन था तो हम लोगों को अंताक्षरियों में प्रतिभाग करने का सुअवसर विद्यालयों से मिलता था, अंतरविद्यालयी अंताक्षरी प्रतियोगिताएं। तो उसमें हिंदी के जैसे बहुत सारे कवियों की रचनाएं अकारादि क्रम में करके एक डायरी बनी थी, तो वो पढ़ते 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 मेरा ध्यान और हिंदी की तरफ गया। और मेरी जहाँ शिक्षा हुई वहाँ हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते हम लोगों को ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उनका कहना था कि भाषा, अगर हम, मेरे जो शिक्षक रहे उनका कहना था कि जब भाषा को हम अपने आसपास अनुभव करते हैं तो शिक्षा कोई कहीं ऊंचाई या गहराई या वो भाग नहीं रह जाता कि हमारी समझ से परे है। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान बढ़ता रहा, और मेरे जो बहुत सारे साथी हैं वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, और बहुत इस फेसबुक और व्हाट्सएप और इसकी दुनिया में बहुत सारे अपने पुराने साथी मिले, तो सब ने कहा हम, तुम इतना अच्छा डिसेक्शन करती थी, हम सोचते थे कि तुम कहीं सर्जन होगी, डॉक्टर होगी, सर्जन होगी, तो लेकिन तुम तो साहित्यकार होगी। तो हमने कहा अब हम शब्दों की चीट फाड़ करते हैं और शब्दों के साथ जो आत्मीय भाव है वो दिल के पास होता है। बिल्कुल। तो मतलब हमारी डॉक्टर अमिता दुबे मैम जो हैं वो शब्दों की डॉक्टर हैं, अगर हम कहें तो आप शब्दों की डॉक्टर हैं। और अपनी डॉक्टरी के साथ साथ आपने लगभग 40 से भी ज़्यादा किताबें लिख दी, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है। मैम चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहूँगी कि जब हम सपने हिंदी में देखते हैं, हिंदी अपनी मातृभाषा, मातृभाषा से हिंदी का कोई भी दुराव नहीं है, क्योंकि जो हमारी भारतीय भाषा परिवार हैं उनमें हिंदी हर जगह समाहित है। तो जब हम सपने हिंदी में देखते हैं, आप पढ़िए पढ़ाइए किसी भी भाषा में, नौकरी के लिए कुछ भी करिए, लेकिन दिन का एक कोना अपनी हिंदी के लिए अवश्य रखिए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात मैम ने यहाँ पे कही कि अपनी हिंदी के लिए अपने दिन का एक कोना, यानी कि कुछ चंद घंटे, कुछ चंद लम्हा जो आप दे सकते हैं अपनी हिंदी को, अपनी भाषा को ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हिंदी ही वो भाषा है जो हमें अपनों से और अपने आप से जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं खुद से जुड़िए, अपनों से जुड़िए, और इसी तरीके से प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ अपने देश को भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दीजिए जिसे हमारे देश को भी हम पर गर्व हो। और मैम आप हमारे साथ आईं, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से जो विश्व हिंदी दिवस का इतिहास है और हिंदी से लोगों को कैसे जुड़ने की ज़रूरत है, या कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर हो रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है अपनी भाषा को लेकर के, उस पर आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम वर्ष 2024 में मिले हैं और आशा करते हैं कि ये वर्ष हम सब के लिए बहुत सुंदर रहे, और जो आपने परिवर्तन की बात की तो सुखद परिवर्तन हमारे जीवन में आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में थी डॉक्टर अमिता दुबे जी, आप प्रधान संपादक हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में, साथ ही साथ आप एक जानी मानी साहित्यकार भी हैं। तो ऐसे ही आप अपनी भाषा से प्रेम करते रहिए, ऐसे ही आप जुड़े रहिए अपनी एक ऐसी भाषा से जो सर्वस्व समेटे है अपने विश्व में। जब हम बात विश्व गुरु की करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की बात आती है, और जब भारत की बात आती है तो हिंदी भला कैसे पीछे रह सकती है। ये वो भाषा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है, ये वो भाषा है जिसमें हर एक शब्द को, हर एक वर्ण को बड़े ही प्रेम के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। तो ऐसे ही अपनी भाषा के साथ
प्रेम बिखेरते रहिए और सुनते रहिए रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है ना कि जान है तो जहान है, और रेडियो केजीएमयू गूंज की यही पहचान है। लेकिन आज के लिए रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है कि हिंदी के साथ जुड़िए, अपने देश के साथ जुड़िए और अपने आप के साथ जुड़िए, अपने लिए और हिंदी के लिए समय जरूर निकालिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो केजीएमयू गूंज। KGMU Gunj 89.6 FM।